On this Eid, VoicePK.net celebrates the heroes of the lockdown. We are bringing you stories through this week of Pakistanis who helped one another during this time of crisis. Today, we will introduce you to Ahmed Azim, a student who, along with his other fellow students, distributed rations to over 500 needy families during the lockdown. Throughout this lockdown, we came across several students who collected funds and reached the underprivileged long before the Corona Tigers even came into action. कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान जहां पर बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से बहुत से दर्दनाक वाकयात सामने आए हैं, वहीं पर चंद ऐसे लोग भी मंजर-ए-आम पर आए जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत की। अहमद अजीम का शुमार भी ऐसे ही अफराद में होता है। अहमद 2016 से एक फलाही अदारा यूथ इनिशिएटिव फॉर एड एंड एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद लोगों को रोजगार के मौके फराहम करना है। तहम इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को भूख और गुर्बत से सख्त परेशान देखकर उन्होंने गरीब और नादार अफराद के घरों में बाइज्जत तरीके से राशन पहुंचाने का फैसला किया और अब तक इनकी तंजीम कई लाख रुपए का सामान तकसीम कर चुके हैं। हमने इस राशन ड्राइव को तीन फेजेस में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वाज जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था इन मिड ऑफ मार्च, उस वक्त वी डिस्ट्रीब्यूटेड कैश अमाउंट्स डेली वेजेड लोगों, तकरीबन 150 प्लस लोग थे इन द फर्स्ट फेज जिनको कैश अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। इन द सेकंड फेज हमने रमज़ान का और ईद का राशन का इंतज़ाम उनको करके दिया, उसमें 200 प्लस लोग हैं और जो राशन की क्वांटिटी थी वो तकरीबन 45 डेज टू 50 डेज का राशन है। अहमद अजीम का कहना था कि राशन की तकसीम में इन्हें हुकूमत का भरपूर तावन हासिल रहा और अब वो एहसास प्रोग्राम के डाटा से भी इस्तफादा कर रहे हैं। सिंस द लॉकडाउन अल्लाह का शुक्र है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में। वी आर इन कोलैबोरेशन विद द असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला, वी आर इन कोलैबोरेशन विद द डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, उनके साथ हमारा डेटा शेयरिंग भी चल रही है, उनकी तरफ से हमें NOCs भी इशू हुए हैं जबकि वी कैन वर्क आउट वी कैन वर्क इन द लॉकडाउन। इसमें फिर वी हैव टू लुक आउट द एहसास प्रोग्राम एज वेल कि एक फैमिली को अगर एक अमाउंट चली गई है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम वी एक्सटेंड द सर्कल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। जिसको वो एहसास प्रोग्राम वाली अमाउंट नहीं मिली हम उसको राशन दें। अहमद जैसे नौजवान तो बहरहाल इस मुश्किल घड़ी में उम्मीद की किरण हैं ही, मगर हुकूमत पाकिस्तान का मुल्क से इंटरनेशनल NGOs की बेदखली और इनके काम को महदूद करने के मनफी असरात लॉकडाउन की इमदादी सरगर्मियों में खुलकर सामने आए। इस हवाले से समाजी कारकुन मोहम्मद तहसीन का कहना है कि अगर इंटरनेशनल NGOs काम कर रही होती तो वो मकामी तंजीमों के साथ मिलकर इस वबा की रोकथाम के लिए मौसर काम कर सकती हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी 99% जो मुख्तलिफ देहात की सतह पे थ्रू लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी छोटी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ मिलकर काम करते थे, जिसमें जर्नलिस्ट की एसोसिएशन भी थी और हर तरह के लोग शामिल। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती इंटरनेशनल खासतौर से और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ही काम कर, तो उससे मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हम इस वबा को समझने और इस पर कंट्रोल करने में उनकी मदद से हम आगे चल सकते। आसमान जहांगीर लीगल एड सेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निदा अली का कहना था कि इंटरनेशनल NGOs को काम करने से रोकने का कानूनी जवाब मौजूद नहीं।
इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की पॉलिसी जो कि 2013 में आई थी टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ INGOs एंड NGOs इन पाकिस्तान हैज़ नो बैकिंग इन द लॉ एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्री टू द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पेशली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. दिस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंटरिम मेजर टू बी फॉलोड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन टू रेगुलेट NGOs. बट इट्स बीन 7 years नाउ दैट दिस पॉलिसी इज बींग आर्बिट्रैरली एंड रैंडमली अप्लाइड टू रिजेक्ट NGOs, विच इज़ सीरियस कर्टेलमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल NGOs एंड सिविल सोसाइटी वर्किंग इन पाकिस्तान. कोरोना की वबा के दौरान जहां अहमद अजीम जैसे बहुत से नौजवान लॉकडाउन के हीरोज के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, वहीं पर इंटरनेशनल NGOs पर पाबंदी की वजह से मकामी तंजीमों और हकूमती इदारों पर बोझ बढ़ गया है, जिसकी वजह से अवाम की इमदाद में कमी आई है. अहमद सईद, वॉइस पी के डॉट नेट, लाहौर.